please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अमेरिका के कोलोराडो के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए एक विमान लाल केमिकल की बारिश करने लगा। वहां के जंगल में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया, जिसकी वजह से 2000 परिवारों को घर छोड़ने का आदेश दे दिया गया। क्योंकि जंगल में लगी आग इतनी बड़ी हो चुकी है कि विमान से की जा रही केमिकल की बारिश से भी वो काबू में नहीं आ रही। केमिकल की बारिश के साथ बड़े चिनूक हेलीकॉप्टर से आग पर बड़ी बाल्टी से पानी की बौछार भी की गई, लेकिन आग का फैलना नहीं रुका। आग को रोकने के लिए सैकड़ों की संख्या में दमकल कर्मचारी लगाए गए। इसके बावजूद वो आग पर काबू नहीं पा सके, क्योंकि तेज हवाओं के कारण लपटें एक इलाके से दूसरे इलाके तक फैल गईं। उनके रिहायशी इलाके तक फैल जाने के बाद करीब 2000 परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। हालांकि लोग इस तरह से हटाए जाने से नाराज भी दिखे। लखनऊ में होटल ताज परिसर में खड़े होकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव का स्वागत करने लगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे, जिनका अखिलेश यादव और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक इस रोजा इफ्तार में मौलाना सईदुर रहमान आजमी, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली समेत 400 चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, जिनकी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद अगवानी की। इस बीच रोजेदारों ने मुलायम सिंह यादव से मिलकर उनका हाल भी जाना। बताया गया कि इस रोजा इफ्तार में शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी नजर आए, जिसके बाद समाजवादी कुनबे के एक होने के कयास लगाए गए। हालांकि रोजा इफ्तार के समय ताज होटल के गेट पर अफरा तफरी भी देखी गयी, क्योंकि काफी लोग अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। आरएसएस मानहानि मामले में भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। इस बीच कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि इस केस में वो निर्दोष हैं। राहुल पर 2014 में विवादित बयान देने का आरोप लगाते हुए आरएसएस ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। 2014 का ये पूरा मामला है, जिसमें राजेश कुंटे जो आरएसएस कार्यकर्ता है, उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया था। महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है, इस तरह की टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी को किसी संस्था को बदनाम नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा था कि अगर इस तरह किसी संस्था को बदनाम आपको नहीं करना चाहिए, आप चाहें तो इस पर अफसोस जाहिर कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि वो अफसोस जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास तथ्य मौजूद है और वो ट्रायल का सामना करेंगे, और इसीलिए राहुल गांधी इसी सिलसिले में भिवंडी कोर्ट में पहुंचे हैं। और साथ ही साथ इसके बाद राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए, और फिर इस मानहानि केस में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मैं दोषी नहीं हूं, तथ्य उनके पास है और वो केस का सामना करेंगे। हालांकि आज कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी के कार्यक्रम भी काफी ज्यादा हैं, जिसमें एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से भी उनकी मुलाकात होनी है, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करना है। प्रवीण मुधोलकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण, कोर्ट के अंदर क्या हुआ इस मामले को लेकर? जी संदीप, क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं? तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, मैं अपने आप को नहीं मानता दोषी। उसके बाद राहुल गांधी पर चार्जेस फ्रेम हो गए, 499 और 500 आईपीसी की ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए, यानी उन पर मानहानि का मुकदमा आगे चलता रहेगा। राहुल भी चाहते हैं कि ट्रायल को फेस करें, इसलिए राहुल ने इसका विरोध नहीं किया। तो दरअसल अब यह मामला सिर्फ अदालती मामलों में अटक गया है, इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। और ये किराए प्रभात और साथ ही जो आरोप राहुल गांधी पर लगा है, उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी हत्या के पीछे आरएसएस की विचारधारा है, उस मामले में लगातार मुकदमा चलेगा। कांग्रेस की तरफ से इसमें तमाम सबूत और रखे जाएंगे कि राहुल ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल राहुल का कहना है कि वो विचारधारा का विरोध करे, उसी विचारधारा के चलते ही महात्मा गांधी की हत्या की गई। तो अब ये मामला अदालती चलेगा, लेकिन बाहर राजनीतिक तापमान गर्मा गया है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी संघ के मंच पर 3 दिन पहले गए थे नागपुर, जहाँ मैं गया था। जी जी, नजर बनाए रखिए। प्रवीण, लौटेंगे आपके पास।